अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी फ्लोर क्रमलिंग व्लॉग। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग अपने छत का जो है वो आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं कि आजकल क्या सूरत हाल है, कैसे टेक्सचर्स बने हुए हैं। अपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूँगी, वो है प्योर रेड डर्ट, उसकी मैंने शेप्स बनाई हैं। ग्रेनी रेड डर्ट, इसकी भी लॉन्ग बार्स सी हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो येलो ब्लॉक टेक्सचर्स के बाउल्स हैं। इस साइड पर राइट साइड पे आ जाएं तो सैंड सीमेंट स्टोन क्रश की किटीज बनाई हैं। यहाँ पर है हमारा ब्राउन डर्ट का टेक्सचर, इसकी भी ओवल शेप्स हैं और वो है प्योर सैंड, इसके भी जॉइंट बॉल्स हैं। और अगर हम लोग इस साइड पे आ जाएं तो आप लोग देखें यहाँ पर छत का हाल थोड़ा ऐसे है कि मैस क्रिएट हुआ है। यहाँ पर हम लोग अपने सारे पुराने टेक्सचर्स को एक एक करके शिफ्ट कर रहे हैं। जितनी भी रेड डर्ट थी वो सारी हम लोगों ने मिक्स करके इकट्ठी कर ली हैं। उनके स्टोन्स वगैरह फ्लेक्स वगैरह अलग कर लिए हैं। ये वाइट्स ब्लैक स्टोन्स भी अलग किए हैं हम लोगों ने टेक्सचर्स में से। कुछ ये टेक्सचर, ये ब्लैक ग्रिटी टेक्सचर में से निकला है प्योर, और कुछ हमारे रहते हैं। इंशाल्लाह वो भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके कंप्लीट करेंगे, और फिर कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह हम लोग कोई एक दो न्यू टेक्सचर्स इनमें से बनाएंगे। तो देखेंगे कि फिर वो कौन से टेक्सचर्स होते हैं। उस साइड देखें तो सारी शेप्स हैं। पानी है, पानी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि आजकल वीडियोज़ बनती हैं तो खर्च हो जाता है। आगे आ जाएं हम लोग नीचे वाले छत की तरफ तो वो जॉइंट बकेट्स की सीरीज़ जो चल रही है आप लोग सब देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसका एक पार्ट ये है ग्रेटी रेड अर्ट। इंशाल्लाह आप लोग जल्द देखेंगे एक वो स्टोनी टेक्सचर की बनी हुई हैं शेप्स, और वो आगे कलरफुल ग्रेनी, ये वाइट की जॉइंट बकेट्स बनी हुई हैं ग्रेनी सीमेंट की, और ये तूफ़ानी टेक्सचर्स की लॉन्ग बार। चलेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फ्लोर क्रमलिंग। फ्लोर क्रमलिंग के साथ हम लोग ऐसा करेंगे कि थोड़ी सी पूल क्रमलिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लोर क्रमलिंग, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स को हमेशा मुझसे गिला होता है कि मैं फ्लोर क्रमलिंग कम करती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, आप लोगों ने मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा फ्लोर क्रमलिंग देखी है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैंने सोचा था कि सर्दियों से पहले पहले जॉइंट पॉकेट्स की सीरीज स्टार्ट कर लें, जॉइंट पॉकेट्स देख लें। आप लोगों ने स्टार शेप सीरीज़ देखी, फिर उसके बाद मैंने जॉइंट पॉकेट सीरीज स्टार्ट की। तो आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अपने जो है वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो अब हम इंशाल्लाह जब सीरीज़ ख़त्म करेंगे तो हम थोड़ा सा फोकस करेंगे फ्लोर क्रमलिंग पे, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं, माइक लगाते हैं। लग गया है माइक। माइक मैंने ऐसे सेट करना है कि आप लोगों को आवाज़ अच्छे से आए, इस टाइम शोर ज़्यादा होता है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्योर टेक्सचर है ये, मार्बल पाउडर का और मड का मिक्सचर है, ठीक है। जो आप लोगों ने देखे थे सिलेंडर्स, जिन्होंने नहीं देखे हुए वो आप लोग देख सकते हैं मेरे ASMR हब चैनल पे। सुपर डस्टी। मैं क्रमलिंग के दौरान बोल के आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगी, तो हम लोग क्रमलिंग पे ही फोकस करेंगे। सुपर सॉफ्ट एंड सुपर टेस्टी।
इट लुक्स लाइक पाउडर। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि मैं इसको सेटअप करके पूल बनाती हूँ और फिर आप लोगों के साथ पूल क्रम्बलिंग शेयर करती हूँ। ये देखें जी, पूल मैंने बना लिया है, अब हम लोग इसमें क्रम्बल करेंगे। कुछ बॉल्स रहते हैं उनको हम लोग एक साइड पे रख के उन पे पेस्ट पोर करते हैं और उनको क्रम्बल कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करूँगी तो बहुत मैस हो जाएगा, माइक भी जो है वो फिर गीला हो जाएगा तो आवाज़ सही से जो है वो कैप्चर नहीं हो पाएगी। चलिए जी पेस्ट पोरिंग करते हैं। ब्यूटीफुल, एंड यहाँ पर हमारी वीडियो होती है
कंप्लीट। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारे का सारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्रमलिंग अच्छी लगी होगी। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ये सॉफ्ट टेक्सचर था, इसको आपको वाटर में करना चाहिए था, बट आप लोगों को पता है कि मैं हर तरह के टेक्सचर्स हर तरह से क्रम्बल करती हूँ। जिनको वाटर क्रम्बलिंग पसंद है उनके लिए वाटर करती हूँ, डिपिंग करती हूँ, पोरिंग करती हूँ, क्रम्बलिंग और पेस्ट भी करती हूँ। तो हर जो है वो, अगर ये एक को नहीं पसंद तो ऑब्वियसली दूसरे को पसंद होगा। मुझे अब सबकी पसंद को साथ लेकर चलना है, तो इसलिए अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी ना लगे, जिन लोगों का वो टेस्ट नहीं होता, तो प्लीज़ आप लोग चेंज कर लीजिए कर लिया करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक चीज़ एक को पसंद नहीं होती तो वो ऑब्वियसली दूसरे को पसंद होती है। तो बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को कम बैक कैसा लगा। मुश्किल था कम बैक करना और फिर रेगुलर होना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें मज़ीद परफेक्शन लाऊँ, क्योंकि टाइम लगता है। जब हम लोग इतना अरसा एक चीज़ को छोड़ देते हैं तो वापस आने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर वो हर चीज़ वैसी की वैसी नहीं रहती, काफ़ी चीज़ जो है वो चीज़ें रिप्लेस हो चुकी होती हैं। तो फिर भी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आप लोग जो है वो इन वीडियोस से सेटिस्फाई हों, रिलैक्स फील करें और आप लोगों के स्ट्रेस कम हों। एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई अपोलोजाइज फॉर देट। बाकी मैं बनाने लगी हूँ नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह आप लोग करें इंजॉय। लव यू ऑल, बाय बाय।